के ऊपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी नजर, मैं हूं सुश पांडे। आज हमारे बीच में बातचीत करने के लिए मौजूद है अतुल तिवारी, जो हिंदू रक्षा मंच के प्रमुख हैं। समाजवादी पार्टी के नेता बड़े बोल बोलते हैं, समाजवादी पार्टी का वो, उसको आप किस आईने से देख रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात करते, स्वामी प्रसाद मौर्य ये तो समाजवादी पार्टी को समापन कर देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से गलत बयान दे रहे हैं, ये निराधार गलत है। और इस पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, स्वामी प्रसाद मौर्य को निष्कासित करना चाहिए। क्या समाजवादी पार्टी ने हिंदू नेता नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी व्यक्ति विशेष जाति पार्टी है? हर समाज के लोग, हर संगठन जुड़े हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर क्यों नहीं लगाम लगाया जा रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य जिस दिन जौनपुर में आएंगे, उसी दिन स्वामी प्रसाद मौर्य को टमाटर, गोभी और मूली के साथ उनको तोप दिया जाएगा। बताइए, हमारे वो एक दिन, अब तो टमाटर सस्ता हो गया है, तभी तो बोल रहा हूँ टमाटर सस्ता हो, तभी तो बोल रहा हूँ टमाटर तोपवा दिया जाएगा भाई। वो भी बसपा सरकार में मंत्री रहे हुए हैं, उनको बेवकूफ को ये नहीं पता कि सबसे पहले कौन सा धर्म यहाँ आया? सनातन धर्म। बौद्ध भी हमारे हैं, गुरु नानक भी हमारे हैं। अब बताइए, बौद्ध और हिंदू में लड़ा रहे हैं, हम बौद्ध को भी मानते हैं, राष्ट्रीय लेवल के नेता और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, उनको आप बेवकूफ बना रहे हैं। और दूसरी चीज, व्यक्ति विशेष जात, उन्होंने ब्राह्मण को टारगेट किया, उनको ये नहीं पता कि हिंदुस्तान में सबसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन है? मंगल पांडे हैं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं पता है? चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में नहीं पता है? रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में नहीं पता है? हिंदुस्तान के लिए समस्त समाज के लोगों ने त्याग दिया है, तब आज हम आप आजादी से चल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के सिक्योरिटी में क्या मौर्य ही समाज के लोग हैं? बिंद भी सिक्योरिटी करता है, ब्राह्मण भी लगे होंगे, क्षत्रिय भी लगे होंगे, हर समाज के लगे होंगे। वो बेवकूफ हो चुके हैं, उनको तो सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, अगर अपनी पार्टी की अस्तित्व बचाना चाहते हैं तो उनको जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को निष्कासित कर दें, फिर देखें अपना जनाधार। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को निष्कासित करने से ही समाजवादी पार्टी का बेड़ा पार हो जाएगा? अरे बिल्कुल होगा भाई। ब्राह्मण जो है बसपा को सरकार बनाए, पूर्ण बहुमत जब ब्राह्मण रुझान हुआ बसपा में, ब्राह्मण जाएंगे समाजवादी पार्टी में, ब्राह्मण भी हैं, मनोज पांडे हैं। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ एथिक का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रमाणिकता है।